actually got two students who have been trading and they showed me their progress. So वेरी गुड. मैंने उनको बोला कि सर डू शेयर इन द ग्रुप, तो बोलते हैं सर नजर लग जाती है इसलिए शेयर नहीं करते. तो बोला ठीक है, दैट्स ओके, यू नो. लेकिन कुछ नहीं है, इट्स अ ग्रुप. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इतना पावरफुल ग्रुप बना दें दैट देन इंशाल्लाह एज यू लर्न यू हेल्प ईच अदर. सो कल अजीम सिग्नल दे रहा होगा, रहमान उस पर ट्रेड कर रहा होगा, हारिद दे रहा होगा, शरीफ उस पर ट्रेड कर रहा होगा, बहुत सारी लड़कियां, रूहीन एंड ऑल दे वर जॉइनिंग इट. क्योंकि यू नेवर नो के इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी, राइट. मैंने आपको बताया टेक्निकल तो आप ग्रेस्प कर लोगे, बट देन फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइड कर लेंगे एज द, और हम इसको ग्रुप को साफ करते रहेंगे. वो लोग जो डोरमेंट है, रिस्पॉन्सिव नहीं है बिकॉज 3 इडिट की जगह है, मैं मल्टीपल ग्रुप्स नहीं बनाऊंगा, मैं इसको फिर क्लीन आउट करते रहूंगा. तो टर्न ऑन द कैमराज, आई कैन सी योर फेसेस, ताकि आप सब एक दूसरे को भी जानना शुरू करो. एंड देन देर इज अनदर गाय फ्रॉम अफगानिस्तान, उसकी ट्रेडिंग भी अच्छी है. ही जस्ट शोड मी, मेरी उसे 10 मिनट की क्विक कॉल हुई. तो हर एक आदमी कहीं ना कहीं फंसा होता है, राइट. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. और कल हम लोग ने बहुत डीप लेवल पे बिटकॉइन देखा था, एंड उसी पे मैंने आपको ट्रेड लेके देखा है. फिर मैंने आपको स्क्रीनशॉट ब्रैग करने के लिए या शो मारने के लिए नहीं किए थे, बट इसलिए किए थे दिखाने के लिए कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, यू कैन लर्न कि जो आपने सीखा उस पर पैसे भी बने. आर यू ऑल विद मी? थम्स अप. आप लोग फॉलो कर रहे हो ग्रुप को, राइट. इस वक्त मैंने मैसेजिंग ऑन रखी है ताकि यू ऑल कैन टॉक, और बहुत सारे लोग जो मेरे ग्रुप में होते हैं उनके पास लाइव इंटरनेट नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, सो वो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं बिकॉज दे लिव इन वेरी माउंटेन एरियाज. तो इस वक्त क्लास का कोई टाइम नहीं है, आई एम सॉरी. मुझे जब भी मिल रहा है मैं बैठ जाता हूँ, तो आप लोगों में से जो बैठ सके बैठ जाए, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लें. बट एक दफा टेम्पो बन गया तो हम लोग एक टाइम अग्री कर लेंगे. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको स्क्रीन दिख जाए तो गिव मी थम्स अप, ठीक है. हमने कल बिटकॉइन देखा था और हमने टोटल वीकली लेवल पे देखा था कि किस तरह से ये ओवरऑल लेवल पे सेल के मोड में जा रहा है. मैं सब डिलीट कर देता हूँ चीजें जाके, ताकि मैंने आपको जो समझाया था लेवरेज कैसे लेना है, ठीक है. मैंने देखा था कि ये ब्रॉड लेवल पे सेल के मोड में लग रहा है, क्योंकि यहाँ से बाउंस करके 3 दफा गया है. बहुत अनलाइकली है कि कोई इस तरह की न्यूज आ जाए कि ये यहाँ से रिवर्स करे, वरना नॉर्मली जब भी ये यहाँ से टकराया है दिस हैज कम डाउन, दिस हैज कम डाउन, दिस हैज कम डाउन. तो अभी ये टकराया है तो ये मोस्ट लाइकली ऊपर नीचे, बिकॉज कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, वेदर इट्स स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, वो कभी भी स्ट्रेट नीचे नहीं आता. आपकी लाइफ में भी यही होता है, मुश्किल आती है आसानी होती है, मुश्किल आती है आसानी होती है, मुश्किल आती है आसानी होती है. वो लोग जो हार जाते हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, जो मेहनत करते रहते हैं वो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके अपनी जगह बना लेते हैं. सो ये खुदा का निज़ाम है, क्रिएटर हर चीज़ में शो करता है कि यही प्रिंसिपल चल रहे हैं. तो हम लोग ने देखा ओवरऑल नीचे आ रहा है, फिर हमने 1 आवर ट्रेड पे ट्रेंड्स बनाने की कोशिश की. मैंने आपको WD Van सिखाया. WD Van बोलता है कि ज्योमेट्री हर चीज़ में लगती है और आपको ज्योमेट्रीज ढूंढनी है. तो हमने कल यहाँ ज्योमेट्री ढूंढी थी और हमने यहाँ ट्रेड लिया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है. 5 मिनट का रिकैप दे रहा हूँ उनके लिए जो ज्वाइन किए. 1, 2, 3, 4, 5 दफा कॉन्फ्लुएंस हुई, हिट करके ऊपर गया, हिट करके ऊपर गया, हिट करके ऊपर गया. यहाँ पे ये नीचे आया और ये सपोर्ट जो थी, सपोर्ट यानी कि जिसके ऊपर बॉल बाउंस कर रही है, वो रेजिस्टेंस बन गई, यानी अब उससे टकरा के नीचे जा रही है. तो अब इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ 15 मिनट के, तो आपको समझ आएगा कि देखो ये किस तरह से जो यहाँ पे बाउंसिंग हो रही थी, अब ये यहाँ से हेड ऑन हो रहा है, टकरा रहा है. तो जैसे ही इसने टकराना शुरू किया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने कहा था कि कोशिश करेंगे यहाँ तक आए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह गॉड्स विल पूरा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ तक बुक हुआ, राइट. और हमने यहाँ किया था, तो कल उसकी ट्रेड मैंने आपको फॉलो की थी. सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी वर गुड हियर. मैं भी गलत होऊंगा, राइट, बहुत दफ़ा, बिकॉज मैंने आपको कल बहुत डिटेल में शो किया किस तरह मार्केट मेकर्स हमें ऑल ऑडिट कर रहे होते हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं. मैंने कहा था क्योंकि वीकली लेवल पे सेल के मोड में है,
विल ट्राई टू टेक द सेल ट्रेड, बाय की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और मैंने खुद ने बोलने के बाद वही गलती की कि आई ऑल्सो एंटर्ड द बाय, फिर मैंने बाय थोड़ा सा लॉस लेके क्लोज कर दिया। बट जब मैं सेल ट्रेड में गया, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे वी वर ऑन अ सेल साइड राइट, तो जाके फिर मजा आया राइट। ओके नाउ हमने देखा ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया, इससे दो तीन दफा टिप्स का आया है। अब हमने ट्रेंड लाइन बनाना शुरू किया ठीक है। हमें ये दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन में जा रहा था और यहां से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई ठीक है। कितनी दफा ट्रेंड लाइन ने कॉन्फ्लुएंस दिया, एक दफा होल्ड किया, दो दफा किया, तीन दफा किया, चार दफा किया, पांचवी दफा होल्ड नहीं हुआ, चार दफा इट्स अ गुड कॉन्फिडेंस लेवल। आर यू ऑल विद मी? मुझे थम्स अप दिखाओ एंड टर्न ऑन द वीडियो कैमरा। ये मुझे इस तरह मजा नहीं आता। अब लोग यूएस के जितने मेरे सेशन होते हैं ना, फुल वीडियो कैमराज ऑन होते हैं जो कि 200 लोग करते हैं। ये खाली एशिया की तरफ है, लोग पर्दे के पीछे बैठ के ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। सो इट्स अ फ्री ट्रेनिंग, बट इसकी मैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लगा दूंगा कि वीडियोज आपको ऑन करके बैठना है क्या, ताकि मैं आप लोगों से सवाल कर सकूं। तो ये सबको क्लियर हो रहा है? कैन आई हैव थम्स अप? ठीक है, तो चैट पे लिखना शुरू करो या व्हाट्सएप पे लिखो। अब यहां से टकराया है ये एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बनना शुरू हो रही है, आप देखो ठीक है। ऐसे करके इसकी कॉन्फर्मेशन कैसे ले, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और देखो ये ट्रेड हमने कल प्रिडिक्ट भी किया था कि यहां तक आके जाएगा, और ये गॉड इज काइंड ऐसा ही लग रहा है ये यहां से नीचे जा रहा है ठीक है। एक दफा टकराया गुड, दूसरी दफा ये दूसरी ट्रेंड लाइन से टकराया, तीसरी दफा आ रहा था और आते आते क्या, तो मोस्ट लाइकली अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम यहां से सेल में जाते हैं और हम समझो कहते हैं कि यहां तक का स्टॉप लॉस है, हम कोशिश करके प्रॉफिट यहां तक का बुक करते हैं ठीक है। 3:2 का रेशियो है। अब मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई थी ठीक है। अच्छा, ट्रेड एट योर ओन रिस्क, एंड मैं बोलूंगा डेमो ट्रेड करो, बिकॉज नाइदर आई एम एनी सेलिब्रिटी जो आपसे $10 $20 ले रहा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे पैसे बनाने का, आप जस्ट मुझे प्रेयर्स में याद रखना। मेरा मकसद है वो यूथ जो कि अनएम्प्लॉयड है या इन्फ्लेशन से प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ आसानी हो जाए। सो आपके पास $100 अकाउंट में, या आप डेमो ट्रेड करो सही है, जज्बाती है। बिकॉज कल हमने ये बात की थी कि ग्रीड किस तरह पैसे खत्म करती है, एंड मैं खुद इसको बहुत दफ़ा लॉस ले चुका हूँ। सो आज भी सीख रहा हूँ और आप लोग को भी सिखा रहा हूँ। सो हमने कहा था 10% से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 0.83%। सबको ये दिख रहा है? कैन आई हैव थम्स अप? तो स्टॉप लॉस है, एसटीपी है 0.83%। अगर मैं 10x का लेवरेज लेता हूं शरीफ, कितना स्टॉप लॉस होगा? अनम्यूट करके जवाब दो। सर गिव मी अ मिनट। स्टॉप क्विक क्विक क्विक, लॉस पॉइंट बिल्कुल एट थ्री कैलकुलेट। परसेंट है मेरा स्टॉप लॉस, यानी परसेंटेज में अगर मैं 10 गुना लेवरेज लेता हूं तो स्टॉप लॉस भी 10 गुना बड़ा हो जाएगा जी सर। ठीक है। तो 0.83 कितना हो जाएगा, 8.3 हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है ना, गुड जॉब। अच्छा, प्रॉफिट टारगेट अगर मेरा है 2.66 ठीक है, तो जब भी ट्रेड में जाओ ना तो पहले ये मत सोचना, क्योंकि ग्रीड का मारती है जब आप प्रॉफिट देते हो, वो 2.6% प्रॉफिट है इंटू 10 26% प्रॉफिट है ठीक है। तो आप बोलोगे यार $100 लगाऊं, मजा आ गया, $26 बन गए 3 4 घंटे में। लेकिन ये देखो जब हम सही नहीं भी हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सही नहीं होते हैं क्योंकि मार्केट मेकर से पंगा है, तो $8 $9 कट जाएंगे। $9 इतना है कि आप बर्दाश्त कर सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी, यस और नो? राइट, 100 को 200 बनाने की कोशिश नहीं करना, डोंट ट्राई टू बिकम डबल शार्प, क्योंकि वो ग्रीड ही होती है जो इंसान को मार देती है राइट। और स्टॉक मेकर्स जो मार्केट मेकर्स बैठे हैं सामने सुपर कंप्यूटर्स लेके, जो आपको मुझे स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सब ग्रीडी हैं राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? आर देर एनी क्वेश्चंस? या तो बोलो या तो चैट पे लिखो या तो मुझे थम्स अप दो क्विकली।
गुड। अभी हम स्ट्रेट को लेते हैं जैसे, और नॉर्मली मैंने कहा था कि लॉट साइज कैसे लोगे, तो अगर एक्सनेस में जा रहे हो तो एक्सनेस के अंदर वन का मतलब होता है वन लॉट। एक लॉट आज बिटकॉइन का कितने का है? 61,945 का है, यानी राउंड ऑफ कर दो 62,000 का है। ये पॉइंट क्लियर है? सो वन मीन्स 6,200, ठीक है। आपके पास कितने रुपए पड़े अकाउंट में? समझो $100। 10 टाइम लेवरेज का मतलब है कितने हो गए? $1,000 हो गए। ये क्लियर है सबको? ठीक है, आपको $1,000 के बिटकॉइन बाय करना है, ये समझ लो। उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 10 गुना लेना है लेवरेज। आपको 100 गुना भी मिलता है नहीं लेना है, क्योंकि सब वाइप ऑफ हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। ज्यादा ग्रीड में नहीं जाना। $1,000 को डिवाइड करो, कैलकुलेटर्स निकालो अपने। जिसके पास $50 है वो 50 को डिवाइड, 50 है वो 500 हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10 करके, राइट। वो 500 को डिवाइड, 1,000 को डिवाइड करो 62 से, तो आपकी जो साइज बन गई लॉट की कितनी आ रही है? कोई मुझे टाइप करेगा चार्ट पे? इसको करते जाओ कैलकुलेशन, वरना ये लाइव ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको फ्री मिल रही, शायद आपको एहसास ना हो, बट 0.016 ये लॉट का साइज है आपका। आपको बहुत ज्यादा खेलना है, आप 0.2 कर लो, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा शुरू में हो नए हो डू 0.01, ठीक है। समझो, आप 0.02 करते हो, अपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा लेना है, 62,401 पे, और प्रॉफिट लगाया आपने सपोर्ट तक, ठीक है, 62,53, ठीक है। मैं खुद ये ट्रेड लेता हूँ अभी, और आप लोग भी जो है वो लेना चाहो तो ले लो, जिन जिन को अपने उस पे गट फील पे वो है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम जाते हैं इसके हिसाब से, तो बहुत सारे लोग छोटे छोटे ट्रेंड पे काम करते हैं, 5 5 मिनट पे काम करते हैं। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि बहुत मैनिपुलेशंस होती हैं, इतनी मैनिपुलेशंस होती हैं कि आप समझो छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए ना। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप सारे बिगनर्स हो, लेकिन समझो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनाना शुरू की, ठीक है। आप बोलोगे ये भी ट्रेंड है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन बना दूँ, ठीक है। ये अचानक ट्रेंड लाइन टूटी, देखो एग्जांपल बताता हूँ। समझो आपने बोला यार मैं तो रोज पैसे बनाना चाहता हूँ, हर 5 मिनट में बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने मेरा ही थ्योरम यूज किया या WDVN का यूज किया, आपने बोला यहाँ टकराया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ ऊपर चले गया, ठीक है। समझो आपने यहाँ पे ट्रेड ली, वी वेंट इनटू लॉन्ग। समझो अगर यहाँ पे आप लॉन्ग में जाते हो, इतने सारे टूल्स खोल लिए हमने कि अब जो चीज चाहिए वो मिलती नहीं है। किधर गया मेरा लॉन्ग का? अगर समझो आपने बोला यार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और एक बात और देखो, मैंने बताया था ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये टकराया भी, ये टकराया नहीं, ये डायरेक्ट ऊपर चला गया। एक बार देख रहे हो, ये गैप नजर आ रहा है किसी को? गौर से देखो, ज्योमेट्री का लॉजिक होता है कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनेगा। ये यहां से बाउंस नहीं किया, ये हवा में बाउंस कर गया, ये गैप दिख रहा है? आर यू ऑल विद मी, कैन यू फॉलो मी, यस और नो? तो एक ये पता चल गया ये फेक इट हो रहा है, बहुत करीब से देखने से पता चला है, सुपर कंप्यूटर्स मामू बना रहे रिटेलर को कि तुम यहाँ घुसो और मैं तुम्हारे पैसे लेके तुम्हारा अकाउंट वाइप करूँ, ठीक है। चलो हम घुस गए, हमें बहुत जल्दी थी पैसे बनाने की, राइट। और हमने कहा कि यार हम यहाँ तक आएंगे लॉन्ग, और हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे,
तुम यहाँ गए, थोड़े से पैसे बने, $100 पे, $10 पे, तुमने बोला जबरदस्त मजा आ गया, थोड़ा सा नीचे हो, तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होना शुरू, थोड़े और पैसे बने, ठीक है, तुम ट्रेड में अभी भी हो, खट नीचे आ गया, उससे भी नीचे आ गया जहाँ से हो, ठीक है, तुम बहुत हिम्मत वाले थे, तुमने बोला नहीं यार मैं तो उस ट्रेड में रहूंगा, या तो यहाँ से स्टॉप लॉस कटेगा या तो प्रॉफिट मिलेगा, ये ट्रेड वापस तुम्हें बता रहा है, हो सकता है, क्योंकि देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक भारी ट्रेंड लाइन है, ये भारी ट्रेंड लाइन 1 आवर वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, 1 आवर वाली ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो शायद फिर भी चले जाना, लेकिन देखना कि ऐसा ना हो, मैंने कल आपको एक बात सिखाई थी कि देखो हो क्या रहा है, टेक्निकली यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, हो सकता है थोड़ी सी ट्रेंड लाइन तोड़े आप लोगों को बनाने के लिए, बेसब रहे ना सारे के सारे, ग्रीड के मारे पैसे बन जाए, पैसे बन जाए, जल्दी क्विक रिच हो जाए, तो हम फौरन से एंटर हो जाएंगे ट्रेड में, और वो क्या करेगा, वो उसी वक्त बड़ा सेल मारेगा और नीचे ले आएगा, ठीक है, तो आप लॉन्ग में गए यहाँ से, ये देखो बड़ी कैंडल है, अब मैं इसको जूम करूँ ना तो आप लोगों को टेम्पटिंग होगी, जैसे सामने अच्छा फूड पड़ा हो ना पिज्जा हट का, टेम्पटिंग होती है ना कि मैं कब खाऊंगा यार इसको, बॉक्स खोलने से पहले खा जाऊँ, ये बड़ी लाइन देख के जो ट्रेडर्स है ना उनको ये टेम्पटिंग होती है, यार छोड़ो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा दिल कह रहा है ये तोड़ देगी लाइन, वो यहीं से लॉन्ग में चले जाएंगे, राइट, और होगा क्या, ये थोड़ा सा ऊपर जाके बड़ी लाइन नीचे लंबी लाइन रेड की बनाएगी, देखें आप लोगों ने इस तरह के इंसिडेंट्स रेज योर हैंड, कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, राइट, तो पेशेंस बहुत है, मैं खुद भी बोल लूँ लेकिन मैं खुद भी कभी कभार अपने लॉस तोड़ देता हूँ जो कि वीकनेस है, तो जब मैं इतने साल करने के बाद भी, इतने लॉसेस लेने के बाद भी ये गलती करता हूँ तो आप लोग करोगे उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमंस, तो मैंने बोला ना एक चीज टेक्निकल एनालिसिस है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इमोशनल एनालिसिस मार खा के सीखने मिलेगा, ठीक है, आपके बड़े बूढ़े कहते हैं ना ऐसे बाल सफेद नहीं किए, देर इज अ रीजन बिहाइंड इट, राइट, तो जो ट्रेडर होता है ना जो अपने पैसे से खेलता है, और अनफॉर्चुनेटली डेमो अकाउंट में इमोशनल ट्रेनिंग नहीं होती है, दो तरह के एप्टीट्यूड होते हैं दुनिया में, एक होता है IQ, एक होता है EQ, किसी को पता है IQ और EQ में क्या फर्क है, शुजा अनम्यूट करके बोलो, IQ क्या होता है, एग्जाम में कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में IQ देते हैं ना हम लोग, सर नहीं पता कोई बात नहीं, गुड टू बी ऑनेस्ट, IQ होता है आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, ठीक है, EQ होता है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, ठीक है, मैं बहुत अच्छा एनालिस्ट हो सकता हूँ बट मुझे मेरे इमोशंस पे काबू नहीं है, मुझे मेरे गुस्से पे काबू नहीं है, मुझ में सब्र नहीं है, तो यहाँ ट्रेडिंग में मार पड़ेगी, समझ आ रहे हो बात, ठीक है, सो मेरा IQ बहुत अच्छा है, मैंने दुनिया की सारी स्ट्रैटेजी से, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं वो यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी ही ढूंढते रहते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं यार कोई स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करती, क्योंकि स्ट्रैटेजी काम कर रही है आपका इमोशनल क्वेस्ट जीरो है या नेगेटिव है, राइट, आपको सबर नहीं होता, अब आपको पता है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जाना है, आप क्यों यहाँ पे एंटर हो गए, ठीक है, आपको यहाँ एंटर होना चाहिए था, ठीक है, आपका टाइम थोड़ा सा निकल गया लेकिन आपकी कॉन्फर्मेशन हो गई ना कि भाई ये जो लंबी कैंडल बनी वो कैंडल खत्म हुई और दूसरी कैंडल भी पॉजिटिव बन रही है, अब मैं एंटर हूंगा, आपने कैंडल बनने ही नहीं दी, आपने बोला यार इधर से मैं एंटर हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बाहर जाएगी, राइट, और वो फेक इट करके वहीं से लंबी कैंडल आएगा, आपके कंट्रोल में भी नहीं आएगी सिचुएशन, आर यू ऑल विद मी, गेटिंग द पॉइंट, येस और नो, रेज योर हैंड्स, ठीक है, थम्स अप, जो लोग चैट में बैठे हुए हैं आई अलाउ देम, बहुत सारी फीमेल्स हैं दे वांट टू वॉच लाइक दैट, लेकिन आप थम्स अप करो ताकि मुझे पता चले, तो हमें अव्वल तो ये शायद जाएगा नहीं क्योंकि ये हैवी ट्रेंड लाइन है और हमने वीकली लेवल पे देखा है कि ये कैंडल जो है ये बड़ी भारी कैंडल बन रही है वीकली, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लटर ना हो, ठीक है, ये बड़ी कैंडल बन गई, दिख रहे हैं आपको, और जब बड़ी बनती है तो कितनी बड़ी जाती है, राइट, इसकी विक कितनी बड़ी गई है,
तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, राइट, ये ब्लीड हो रहा है मनी, राइट। तो मोस्ट लाइकली ये नीचे तक जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज आ जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए कि भाई यूएस ने अपनी करेंसी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। बट छोटे टाइम फ्रेम पे बाय मिल रहा है आपको, लेकिन मोस्ट लाइकली हमको वीकली देख के अंदाजा हुआ है कि ये शायद टकरा के नीचे ही आएगा, ठीक है। तो अगर ये टकरा के नीचे आता है तो आप यहां से भी अपना सेल ले सकते हो, आप अभी भी अपना सेल ले सकते हो क्योंकि नॉर्मली ये टकराने की रेंज में आ चुका है, राइट। तो दुनिया बाय करेगी यहाँ, लेकिन आप सेल करोगे यहाँ। ये बात क्लियर है सबको? क्यों? क्योंकि आप बड़े स्ट्रक्चर को देख के छोटे स्ट्रक्चर में ट्रेड करो, इसको स्नाइपर ट्रेडर कहते हैं, राइट। स्नाइपर शूटर कौन होता है, ठीक है? स्नाइपर शूटर वो होता है जो बहुत दूर से बहुत बारीक निशाना लगाना जानता है, बहुत दूर से बड़ी राइफल के साथ बहुत करीब का निशाना लगाना जानता है। तो आप लोग सब यही कर रहे हो, बहुत दूर से निशाना ले रहे हो, एयर सेल हो रहा है, करीब में भले टेम्प्ट हो रहा है कि नहीं यार देखो हायर हाईज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, देखो ये ऊपर जा रहा है, आपने एक लाइन यू भी बना दी भाई जबरदस्त, ये तो ट्रेंड बन रहा है। देखो कुछ ट्रेडर ऐसे बोलेंगे, अभी मैं एक ट्रेडर से बात कर रहा था, नाम ही लूंगा, उसने मुझे ऐसी लाइंस बना के दी, बोला ये तो बाय एंटर कर दो, जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। हो सकता है 2-4-5 डॉलर बन जाए, लेकिन लॉन्ग रन में हम लोग सेल खेलेंगे बिकॉज वीकली लाइन सेल का इशारा दे रही है। क्लियर है ये बात, ठीक है? लेकिन प्रोटेक्टेड रहेंगे, कभी भी मार्केट रिवर्स हो सकती है, मार्केट किसी की नहीं होती है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाए बगैर तो एंटर होना ही नहीं है, भले स्टॉप लॉस एक दफा टूटे, दो दफा टूटे, 100 डॉलर में से दो दफा तीन दफा लॉस हुआ तो 30 डॉलर गए ना, 70 फिर भी पड़े गए, पूरे चले गए तो मार्केट से ही आउट हो गए, राइट। पर जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले जेब में पैसे ही नहीं बचे। तो आपने यहां से स्टॉप लिया और आप स्टॉप और छोटा कर सकते हो, अगर मार्केट थोड़ी देर हम वेट करते हैं यहां से टकरा के नीचे आती है तो हम इस ट्रेंड लाइन में फर्स्ट की जगह सेकंड में भी जा सकते हैं। तो देखो अब हमारा रेशियो बढ़ गया, समझ रहे हो बात को? अब हम अगर 1 घंटे पे जाएं और अगर अब हम देखते हैं, सो वी आर इन अ मार्जिन ऑफ 7 टाइम्स, यानी आप 1 रुपये लूज करके 7 रुपये बना सकते हो। तो अगर आप 10% लूज करने को तैयार हो तो कितने बन जाएंगे, 70 बन जाएंगे, इफ वी आर राइट, राइट। लेकिन मैं आपको सिखा ही ये रहा हूं कि आप ये सोच के ट्रेड लो कि आई विल बी रॉन्ग, ताकि दिल को दुख ना हो। तो इफ आई विल बी रॉन्ग तो मेरे कितने रुपए टूटेंगे, 0.36% का लॉस है, 10 का लेवरेज लोगे तो 3.6, 100 में से 3.5 रुपए टूटेंगे, 4 लगा लो राउंड करके, राइट, फीस वीस कमीशन लगा के। अगर 5 का लेवरेज लेते हो, 5 टाइम्स लेते हो, तो सबको लेवरेज आ गया है, राइट। मुझे चैट पे लिख के यस करो दैट आई अंडरस्टैंड लेवरेज कैसे लेते हैं, लॉट साइज कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने पूरा आपको अभी बिटकॉइन से बताया। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, वरना मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, वापस देख लेना, नीचे टाइप करो ताकि मुझे कंफर्म हो, ठीक है। इमरान सेड यस, शुजा सेड यस, साबिर, शरीफ, जहांगीर, आर यू ऑल विद मी, नाउ फ्रीज अगेन, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया था कि समझो आपका बिटकॉइन है 1 BTC 62,000 का है अभी, ठीक है। और मेरे पास जेब में 100 डॉलर्स पड़े हैं, ठीक है। और मैंने देखा यार मेरा जो सेटअप बन रहा है ना उसमें मुझे 0.36 का लॉस मिल रहा है, ये दिख रहा है 0.36 का लॉस और 2.73 का गेन दिख रहा है। तो अगर मैं 10x लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस भी 10 गुना हो गया, 3.6 हो गया, और मेरा 2.6 टाइम्स का प्रॉफिट था वो भी 10 गुना हो गया, तो 26 गुना प्रॉफिट हो गया। तो 100 डॉलर में अगर गलत हुआ तो 4 डॉलर लॉस होगा, और सही हुआ तो 26 डॉलर प्रॉफिट होगा। तो मैं 100 डॉलर को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को कितना परमिशन दिया फॉरेक्स एक्सचेंज ने, एक्सनेस ने या बाइनेंस ने,
10x पे कि तुम 100 रुपये रख के 1000 का माल खरीद लो, मैं तुम्हें लोन देता हूँ। ये बात क्लियर है सबको? लेवरेज समझ आ गया? लेवरेज इज लाइक अ लोन और अ स्मॉल फी। अब आप $1000 को डिवाइड कर दो 62,000 से, तो कैलकुलेटर में करोगे तो 0.015 आएगा, राइट? तो इसका मतलब आपकी लॉट साइज जो होनी चाहिए 0.01 होनी चाहिए और 0.02 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, बट 1 ही रखो, ठीक है? जब सेल करोगे और यहाँ स्टॉप लॉस लोगे तो जब स्टॉप कटेगा तो वो $3 कटेगा, और प्रॉफिट अगर यहाँ बनता है तो $26 बनेगा। क्लियर है सबको? आसान है, ठीक है, गुड। ये कैलकुलेशन मैं फिलहाल रहने दे रहा हूँ फॉर दोज जो के सीखना चाहते हैं। आई विल पोस्ट दिस ऑन द ग्रुप, हाउ टू टेक लेवरेज एंड लॉट साइज, ठीक है? आई हैव पोस्टेड दिस ऑन द ग्रुप। ओके, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं लाइव ट्रेड में जब तक हम गोल्ड पे जाते हैं द सेकेंड करेंसी, क्योंकि यहाँ एक ट्रेड सेल की, देखो यहाँ तक गया और सेल टकरा के नीचे आ रहा है। अच्छा, अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ध्यान से देखो, अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये इम्प्रेशन दे रहा है आ रहा है, हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स ले और ये ट्रेंड तोड़ भी दे, यू नेवर नो, राइट? सो लेट्स वेट इन फॉर 5 मिनट्स, देखते हैं क्या होता है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बड़े लेवल पे हमने अभी 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 लाइव एग्जांपल थी, अभी जस्टिफिकेशन मिल गई आपको, हमने ये ट्रेंड तोड़ा, ये ट्रेंड बन रहा था, ये ट्रेंड डबल टॉप बना और हमने यहाँ से कैंडल मार्क की कि यार ये बार बार टकरा के 2-4 दफा जाएगा। हमने छोटा टाइम फ्रेम लिया और हमने कहा यार स्नाइपर खेलते हैं, और हमने कहा ये लाइन है, ठीक है, और ये लाइन को मैं थोड़ा सा और अगर बारीकली सेट करूं कि ये सारे उससे टच करें, तो देखो ये यहाँ टच कर रहा है, यहाँ कर रहा है, और एग्जैक्टली हमने कहा यार या तो ये इसको तोड़ के निकल जाएगा ऊपर, या तो ये इसको नीचे लेकर आएगा, और जब ये नीचे लाएगा ना तो हम ट्रेड ले लेंगे सेल का, और हम स्टॉप लॉस यहाँ तक का लगा लेंगे और फिर हम प्रॉफिट नीचे जाने देंगे इसको पूरा, ठीक है? अब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे समझाता हूँ कहाँ तक जाने देंगे, यहाँ तक भी जाने दे सकते हो, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा, बहुत दफा ऊपर नीचे होगा ट्रेंड, ठीक है? और देखो ना आपका लॉस कितना है, 0.25 है, यानी खाली $100 पे $2.5 का लॉस है, लेकिन अगर प्रॉफिट बन गया तो कितना बनेगा, $100 पे $28 बनेगा, 1000 है तो $280, $10,000 है तो $2,800 बन गया एक दिन में, ठीक है? और लॉस होता है तो $250 का। सो हमारा स्टॉप बहुत छोटा है स्नाइपर ट्रेडिंग, ठीक है? ये स्किल अगर आपको आ गया चैंपियन, आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो, लेकिन पेशेंस बहुत चाहिए, ठीक है? देखते हैं, 5 मिनट इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, ठीक है? अभी पता चल जाएगा कि ये फेक हो रहा है, देखो ट्रेंड तोड़ने की कोशिश हो रही है, राइट? पहले उसने एक फेक सिग्नल दिया, अब देखो फॉरन से देखो ये मार्केट मेकर ने क्या किया, ट्रेंड तोड़ने की कोशिश की, पहले यहाँ पे इसने हमें सेल दिया, अगर हम वेट नहीं करते हम सेल में चले जाते तो ये ट्रेंड को बाय कर रहा है, मगर अभी भी हम ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसने लाइन तोड़ दी है, वी कुड हैव एंटर्ड हियर ऑन अ बाय जोन, बट हम इस लाइन को भी अभी पेशेंस रखेंगे, ठीक है? अगर ये कैंडल भी टूटती है, पॉजिटिव होती है, दूसरी भी पॉजिटिव होती है, तो हमारा बैकअप ट्रेड फिर सेल की जगह शॉर्ट टर्म में बाय होगा, समझो यहां तक जाता है तो हम बाय यहां तक ले लेंगे और फिर हम, तो ये ट्रेड समझो 1:1 बन गई, अगर 10 रुपए जाए होंगे तो 10 रुपए ही बनेंगे, ठीक है? मगर अगर ये सेल देता तो अच्छा ट्रेड था। तो आप लोगों में से कितने लोग ये लॉन्ग ट्रेड लेना चाहोगे, रेज योर हैंड्स।
ठीक है, अगर आप उनमें से हो कि नहीं यार मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, ठीक है मैं एक गुना नुकसान एक गुना फायदे में खुश हूँ, ठीक है गो फॉर इट, ये लाइन तोड़ चुका है और लाइन बड़ी वाली तोड़, 1 2 3 वाली, ठीक है 1 आवरली लाइन तोड़ी है, और 1 आवरली लाइन तोड़ने का मतलब है कि ये ट्रेंड जाएगा डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और ये देख रहे हो ये सपोर्ट जो है ना ये हैवी सपोर्ट है, 1 2 3 4, हो सकता है ये ट्रेंड को यहां तक भी ले जाए, राइट। तो अगर आपने यहां तक का नुकसान लिया तो मे भी 66,000 का गेन बन जाए, मार्केट किसी की नहीं है, मैंने आपको क्या कहा हम प्रिडिक्टर नहीं है हम ट्रेंड फॉलोअर हैं। एक जमाना था जब मैं लर्न कर रहा था और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से लर्न किया है, हमें जो है ना शौक होता है कि हम प्रिडिक्ट कर लें कि यार बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, उस गेम से ही बाहर आ जाओ ना, मार्केट जो कर रही है आप भी वही करो, सिंपल, ठीक है जो दिख रहा है वो फॉलो करो, जो होगा मतलब डोंट ट्राई टू बी द बाबा, राइट। इंडिया में बहुत सारे बाबा कल्चर है, राइट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डोंट ट्राई टू बी वन ऑफ देम, सिंपल, ऊपर जा रही है मार्केट, मैथमेटिक्स कह रहा है ऊपर जाएगी, ऊपर की राइड में चले जाओ, वेट नहीं करो नीचे आने का, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों कहा कि मैं अभी भी नहीं जा रहा ऊपर, क्योंकि मैं अभी भी कंफर्म कर रहा हूँ डॉज तो नहीं कर रही मार्केट, यहां से सेल का ट्रेड मिल रहा था तो बहुत स्ट्रांग मिल रहा था, लेकिन मार्केट बाय में भी ले गई है, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं कि अभी मैं ट्रेड में एंटर कर जाऊं, आ जाओ जल्दी से वीडियोज ऑन करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट है, क्विकली 5 मिनट से पहले हमें इसका जवाब चाहिए, सारे आ जाओ वीडियोस ऑन करो, मुझे बहुत स्ट्रांग जवाब चाहिए इसका। कितने लोग कह रहे हैं कि मैं बाय करूंगा, कितने कह रहे हैं सेल करूंगा, क्विकली 10 सेकेंड में जवाब देना है, सारे बाय वाले नीचे चैट पे लिखो, अब आ जाओ, तो ये आया है मजा, हिल रही है मार्केट इमोशन से, तुम बाय में गई तो सेल का डैमेज दे रही है, तुम सेल में जाना चाह रहे हो तुमको बाय की कैंडल दिखा रही है, देख रहे हो यही होता है लाइफ में, राइट। ये जा रहा है अब सेल में, लेकिन अगर अभी मैं सेल में उतर गया हो सकता है ये बाय की कैंडल ले ले, कितना खेल रही है मार्केट, कितना साइकोलॉजी से खेल रही है, मतलब यहाँ आप उतावले बैठे रहे हो, राइट, सब सीखने के बाद कि यार ये बेस्ट है ट्रेड, एक गुना लॉस करके 7 गुना बन रहे हैं, मैं सेल लूंगा, मार्केट बोल रही है आ जा बेटा सेल ले रहा है, मैं बड़ी कैंडल बना के डरा रही हूँ तेरे को बाय की, तुमने बाय कर लिया थक करके सेल बनी, देखो ये क्लिफ बन रहा है, देख रहे हो एक आदमी वो टॉम क्रूज पहाड़ से लटका हुआ है एक हाथ से, राइट, वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, ये उसका हाथ है, ये फूलिंग हैंड था, तुमको समझ आ रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी मार्केट नीचे, अभी भी नहीं, सेकंड कैंडल ने भी कंफ्यूज किया, अब दो कैंडल ने देखो ट्रेंड को नीचे बताया है कि कितने लोग कहते हैं कि जल्दी से बताना ये कैंडल खत्म होने से पहले, ठीक है, कितने लोग कहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी टाइप करो, और कितने कहते हैं नीचे आएगी, शुजा कह रहा है बाय करूंगा, अकबर कह रहा है सेल करूंगा, इमरान कह रहा है सेल, आरित कह रहा है पेशेंस है तो सेल प्रेफर, देखो मजा आ रहा है ना कैसा साइकोलॉजी, तुम्हारे एक सामने तुम्हारे माइंड से कितना खेल रहा है मेकर, आ जाओ सेल में घुस जाओ, दैट्स द ट्रेड जो हम बात कर रहे थे, ठीक है अभी नहीं अभी नहीं, ये कैंडल खत्म होने दो, ठीक है 4 मिनट 18 सेकेंड बाकी है, अगर ये भी सेल देता है बेहतरीन, लेट्स गेट इनटू इट, और फिर भी मैंने क्या कहा था सारे मुस्लिम यू वी ऑल यूजली गेट इन द मुस्लिम कल्चर, यार कोई वो नहीं है बट मैंने सूरह फातिहा पढ़ लेना ट्रेड लेने से पहले, कि भाई अगर मैंने $100 पे या $10,000 पे $70 तोड़ने तो पहले टूटेंगे, इस माइंडसेट के साथ में जा रहा हूँ, ठीक है जबरदस्त हमारे हिसाब से जा रहा है, ठीक है क्लियर है, गुड, गिव योर सेल्फ पैट ऑन द बैक, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट इट, और हमने स्नाइपर ट्रेडिंग की लाइव, ठीक है, और लकीली हमने 1 घंटे का चार्ट प्रिडिक्ट किया था और हमने बड़ी कैंडल से देखा था कि मार्केट नीचे आएगी, फिर हमने स्नाइपर जोन में गए और हमने छोटे लेवल पे 5 मिनट में जाके प्रिडिक्ट किया, और हमको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई, देखो यहाँ पे अगर आईसीपी कॉन्सेप्ट होता ना, मुझे कोई सुबह एक यंगस्टर मुझसे बात कर रहा था सर मैं आईसीपी में ट्रेड कर रहा हूँ, कभी पैसे बहुत बनते हैं कभी चुटके से टूट जाते हैं,
आईसीपी वाला दो बड़ी बड़ी कैंडल लेके बाय में घुस गया था, दिख रहा है येस और नो? लेकिन तुम्हारे सामने देखो मार्केट ने कैसे फूल किया, इतनी बड़ी कैंडल दी, इतनी बड़ी कैंडल दी, इतनी बड़ी कैंडल दी, तुमने यहां से बाय में एंटर हो गए, उसने यहां से क्लिफ पकड़ा और नीचे तक ले आई। ठीक है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। अब ये भी होपफुली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है सेल में, सो हम यहां से सेल पकड़ लेते हैं और जिसको लेना है ले लो ट्रेड, छोटा सा अपने हिसाब से -10 लेवरेज लगा के और इतना स्टॉप लॉस लो बस। ठीक है, यहाँ पे एंटर अगर हो रहे हो ना इस कैंडल के खत्म होने पे, तो इतना स्टॉप लॉस लो कि अगर ट्रेंड रिवर्स होता है कोई न्यूज से और तुम आराम से अपना टीवी शो एंजॉय कर रहे हो, गेम एंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ बैठे हो, तुम्हें स्ट्रेस नहीं है, तुम्हें पता है अच्छा यार $100 90 हो जाएंगे, ठीक है मैं फिर भी मार्केट में हूँ, मेरा हार्ट अटैक नहीं आएगा मुझे, राइट? और नीचे आने दो मार्केट को। तो जो लोग कहते हैं नहीं यार मैं चाहता हूँ 1 रुपये लगा के 4 रुपये मुझे मिल जाए, सो यू नो यू कैन बी हियर 1:4 का रेशियो लेके निकल जाओ। ठीक है, तुम बोलो नहीं यार हो सकता है मार्केट घूम गई तो मैं 4 रुपये लेने में खुश हूँ, जस्ट टू मच, 4 रुपये लेने का मतलब है 300% प्रॉफिट, राइट? लेकिन अगर तुम पेशेंस वाले हो, यू आर अ पेशेंस हॉर्स, देन आने दो मार्केट को नीचे, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म में तो देखा ही है वीकली। अच्छा मजे की बात, वीकली में देखते हैं अपन इस ग्राफ को कि अगर ये नीचे आती है तो वीकली कैंडल कहाँ तक जाएगी, मतलब तुमको 700% गेन मिल रहा है, 700% कोई छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग इसको गैम्बलिंग समझते हैं, ये समझते हैं क्यों, इमाम अली का कॉल है कि बहुत दफा जो चीज समझ नहीं आती ना तुम उसको हेट करते हो। ठीक है, तो ये पूरा मैथ्स है, कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं, मैंने सब मैथ सिखाया है, कोई आपने इसमें बेटिंग की है, कोई आपने इसमें लक लगाई है कि ऊपर जाएगी नीचे, हमने सारा का सारा ज्योमेट्री से काम किया है, कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं, रेज योर हैंड्स, टाइप करो चैट के अंदर, मैं तुम लोग का मिथ तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, लाइफ में ना बहुत दफा लोग मिथ बना लेते हैं और मेरे भी बहुत लॉसेज हुए, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं पहुंचा, आज भी बहुत लॉसेज होते हैं, मगर ये बात समझ आ जानी चाहिए कि क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा इसका मतलब ये नहीं कि इस गेम में लॉस खराब है या ये बेटिंग है या ये जुआ है, राइट? आज भी अमेरिका कनाडा के अंदर 17 17 18 18 साल के बच्चे मिलियनेयर्स हैं अपने प्राइवेट जेट्स से, ऐसे तो नहीं आ गए ना, जुआ तो नहीं है, लकी तो नहीं हो रहा रोज, राइट? कुछ तो उनको ऐसा आ गया है जिस वजह से वो डेंट कर रहे हैं मार्केट को। अगर हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर हैं तो मोस्ट लाइकली हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं उसको, ठीक है, तीनों कैंडल्स डाउन आ गई, हम एंटर हो गए ट्रेड में। ठीक है, हो सकता है ये बाय दे के तोड़ दे, यू नेवर नो, यू नो मार्केट हमें यहाँ से भी फूल कर सकती है, लेकिन ठीक है हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था कि हम सुकून से खाना खा सके, सो सके जाके, या जो करना कर सके। हमने बात की है प्रॉफिट के लेवल की, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट है बहुत छोटे से लॉस पे, सो 60-50 पे। सो अगर वीकली कैंडल 60-50 पर आती है तो इसका मतलब है इधर तक आने की बात कर रहे हैं हम। क्या लगता है वीकली कैंडल इतनी बड़ी बनी है ये यहाँ तक रेड हो सकती है? देखो कहावत क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सुना है? ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी जिंदगी में कभी, राइट? कितने पहले की बात है, अभी 14 अक्टूबर में बैठे हुए हो, नहीं 6 अक्टूबर में बैठे हुए हो, इतनी बड़ी कैंडल बनी थी 30 सितंबर को, अच्छा 29 जुलाई को बनी थी, 10 जून को बनी थी, राइट? क्या हुआ था, हम तो न्यूज में 200 साल से सुनते आ रहे हैं बिटकॉइन $1,00,000 का होगा, $1,00,000 का होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, राइट? तो न्यूज पे नहीं जाना, टेक्निकल एनालिसिस पे जाना है, ज्योमेट्री पे जाना है, हो सकता है ये कैंडल यहाँ तक रेड हो जाए, नहीं होती, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है,
आज भी अगर ग्राफ यहां से भी घूम जाता है ना तो सही है, लेकिन अभी तक नहीं घूम रहा। जो लोग मेरे साथ प्रॉफिट में है ट्रेड में वो देख सकते हैं। सिक्सटी वन नाइन थ्री टू, ठीक है, ऑलरेडी इतने प्रॉफिट पर आ चुके हैं। मतलब अगर यहाँ पे एंटर हो गए थे मोस्ट लाइकली मैं यहीं पे एंटर हो गया था, राइट, बिकॉज मैंने रिस्क लिया, ठीक है, मैंने वेट नहीं किया, मुझे श्योरिटी थी वीकली कैंडल और ये देख के, तो मैंने टेक्निकली गलत किया। आई शुड हैव वेटेड टिल दिस पॉइंट, लेकिन मैंने यहीं पे सेल ट्रेड ले लिया था क्योंकि मैं आपको समझा रहा था मुझे था, तो मेरा एटलीस्ट प्रॉफिट 0.05% और 10 गुना का मतलब 5% प्रॉफिट बन चुका है, ठीक है, लेकिन मैंने सही नहीं किया, मैं खुद आपको बता रहा हूँ। मुझे खुद ये तीन कॉन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए था। अगेन टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग होने के बावजूद ग्रीड पे कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है, और आपको ये बार बार डराएगी कैंडल, पड़े सेल में आ गए हो, ये तोड़ के बाहर तो नहीं निकल जाएगी, ये बाहर तो नहीं निकल जाएगी, ठीक है, तो इतना सब्र तो आपको रखना पड़ेगा कि सेटअप में घुसने से पहले 5 दफा पूछो, 5 कॉन्फर्मेशन लो, मगर एक दफा एंटर हो गए फिर फिक्र नहीं करनी, फिर या तो ये तोड़ेगा या तो ये तोड़ेगा, ठीक है। विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर, होप दिस हेल्प।